Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purposes. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव आर्ट एंड साइंटिस्ट। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमने आईपी कैमरा जो है लगा के रखे हैं। तो इस कैमरा को कैसे इंस्टॉल करते हैं उसको देखने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और कैसे इसको आप घर में लगा सकते हैं या तो फिर अगर आप लगाना चाहते हैं तो हम लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करके लगा सकते हैं। ऑल ओवर वेस्ट बंगाल हम लोग जो है सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल डीवीआर 4 चैनल से लेके 8 चैनल 16 चैनल तक है अवेलेबल। हम लोग के पास केबल भी है ह्यूज एकदम देख सकते हैं और कैमरा भी है बहुत सारा यहाँ पे देख सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल की कोई भी कोने में से अगर आप कांटेक्ट करेंगे अराउंड 500 किलोमीटर तो आप लोगों को सर्विस मिल जाएंगे। ये देखिए हम लोगों का आईपी कैमरा स्विच वगैरह है यहाँ पे और यहाँ पे ढेर सारा और भी है 8 चैनल 16 चैनल सब कुछ है। ठीक है, तो गाइस वीडियो को देखिए अंत तक और कैसे हुआ बताइए। तो अभी जो है हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे कि नेटवर्क कैमरा जो है आईपी कैमरा कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए आपको चाहिए सबसे पहले नेटवर्क कैमरा। तो ये हो गया आपका नेटवर्क का जो है बुलेट कैमरा सीबी प्लस से आता है, ये 2 मेगापिक्सल का है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं निकलेंगे जैसे कि ये कैप वगैरह है देख सकते हैं और यहाँ पे स्क्रू वगैरह दिए हैं और ये हो गया आपका बुलेट कैम। ठीक है, और सिंपली देखिए यहाँ पे डीसी जैक है और यहाँ पे देखिए नेटवर्क का जो है पोर्ट है। यहाँ पे RJ45 जो कनेक्टर है वो यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, और अब हम दिखाते हैं आपको बुलेट कैमरा। ये हो गया आपका बुलेट कैमरा, उसमें भी सेम है, प्राइस का भी ज्यादा अंतर नहीं है, 100-120 रुपए के करीब डिफरेंस है। बुलेट का प्राइस हमेशा 100 रुपये ज्यादा होता है और ये कम होता है 100 रुपये। ठीक है, और ये देखिए ये हो गया आपका डोम कैमरा। ठीक है, और इसको कैसे लगाना है देखिए, ये ओपन कैसे होता है, ये यहाँ पे लॉक हुआ है इसे इसको घुमाना होगा, घुमाने से ये अनलॉक हो जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद इसको निकाल के ये बेस को आप सेट कर सकते हैं, उसके बाद ये सेट हो जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले कनेक्शन करके आपको दिखा देते, बाकी आप ऐसे भी कनेक्शन कर पाए, मतलब ऐसे भी आप इंस्टॉल कर पाएंगे। ठीक है, अब चाहिए आपको नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। तो ये है NVR, ये भी CB प्लस का है। तो ये भी चाहिए और इसके साथ आपको चाहिए POE स्विच। तो देखिए ये हो गया आपका NVR। देखिए यहाँ पे डीसी जैक है, यहाँ पे नेटवर्क पोर्ट है, यहाँ पे VGA आउटपुट होगा, यहाँ से HDMI आउटपुट है और यहाँ USB लगा हुआ है और यहाँ देखिए माइक इनपुट है। ठीक है, ये माइक आउट और यहाँ माइक इन है। ठीक है, और अगर आप HDMI से देख रहे हैं तो आपको माइक आउट की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और सामने भी एक USB दे के रखा है इन्होंने। ठीक है, तो ये हो गया आपका NVR। अब चाहिए आपको POE स्विच। ठीक है, तो ये देखिए ये भी CB प्लस का है। यहाँ पे एक कॉर्ड मिला है हमें फ्री में, काफी भारी है ये और ये सील पैक है। ठीक है, ये जो है देखिए 8 चैनल स्विच है। तो देखिए पहले हम ये AC कॉर्ड लगा देंगे POE स्विच में और यहाँ पे आप कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये लगाना होगा आपको लैन केबल। तो ये हमने 2 लगा दिए, अभी 2 दिखा रहे हैं आप लोगों को, तो छोटा छोटा बनाया ताकि आप लोगों को समझ में आए। और देखिए POE स्विच का इस्तेमाल करें तो अभी जो है DC की जरूरत नहीं है, खाली यहाँ पे जैक कनेक्ट कर देंगे बस हो जाएंगे। और ये हो गया आपका ड्रोन कैमरा। और कैसे भी वायरिंग करना होगा तो हम इसको यहां रख देते हैं प्लास्टिक में और यहाँ पे NVR है, सॉरी
अब इन गियर का जो है डीसी जैक कनेक्ट करना होगा। तो अभी जो है कनेक्शन हमारा पूरा हो चुका है, आप देख लीजिए एक बार दोबारा हम दिखा देते हैं। यहाँ पे डीसी जैक लगा दिए हैं एनवीआर में और यहाँ पे लैन केबल लगा दिए हैं और ये जो लैन केबल है ये आपका पीओई स्विच में लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 8 पोर्ट है, इसके बाद 2 पोर्ट और है तो यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे। तो आप चाहे तो इससे भी डिस्प्ले ले सकते हैं, चाहे तो इससे भी आप नेटवर्क के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम दोनों तरीके से दिखा देते हैं आपको। देखिए कैमरा जो है यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। अब पावर ऑन कर देते हैं और आप लोगों को प्रीव्यू दिखाते हैं। अब हम आउटपुट के लिए यहाँ पे लगा देंगे 10 नंबर पोर्ट पे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो है कैमरे का प्रीव्यू दिख रहा है, लेकिन हम लोगों ने जो है हार्ड डिस्क कनेक्ट नहीं किया तो इसीलिए टी टी करके जो है साउंड दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैसे ऐड करते हैं डिवाइस, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है मेन मेनू, यहाँ जाइएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐड आईपी कैम, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च डिवाइस करना होगा, ठीक है। सर्च डिवाइस करने के बाद यहाँ ऐड करना होगा सिलेक्ट करके, जैसे कि यहाँ सिलेक्ट करेंगे ऐसे इस तरीके से तो यहाँ पे भी ऐसे आएंगे। तो देखिए मैं सर्च करके दिखाता हूँ, सर्च डिवाइस करने से यहाँ डिवाइस आ जाएंगे, नहीं तो ये दोनों को फिर से डिलीट करना होगा उसके बाद आएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट किया, अब सर्च डिवाइस करेंगे, देखिए ये दोनों आ चुका है। अब देखिए यहाँ सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपको आईपी सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं, यहाँ देखिए आईपी हम लोग सिलेक्टेड है और दोनों देखिए यहाँ पे ऑनलाइन किया हुआ है, ठीक है। तो आप 250 से शुरू करेंगे और उसके बाद जितना चाहे मतलब कर सकते हैं आप 100 कैमरा तक, ठीक है। लेकिन जो 4 चैनल है 4 चैनल चलेगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद यहाँ पे जाके आप इनपुट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है अभी हमने हार्ड डिस्क नहीं लगाया तो जस्ट यहाँ पे ऑनलाइन दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है स्टेटस। तो बैक कीजिए, देखिए यहाँ पे कैमरा जो है दिखेगा,